In this primary class, a teacher explores using a story to engage her students in number work. The story starts with five friends going to the village fair, each with 200 rupees to spend. ये 200 रुपए सब एक जगह एक बच्चा इकट्ठा किया और कहा कि ठीक है अब हम लोग मेला देखने चलते हैं. The teacher describes the cost of the different rides and the types of food available at the fair. Yes, ma'am. Very good. तो वो भी बहुत खुश होते हैं. इस जायंट व्हील पे के पास जाते हैं और पता करते हैं उसका किराया कितना है. एक एक बच्चे का किराया उस जायंट व्हील के लिए 20 रुपए था. कितना था? 20 रुपए. इस जायंट व्हील का किराया कितना हो गया? 20 रुपए एक बच्चे के लिए. उस बच्चे उस जायंट व्हील पे सभी बच्चे झूला झूलते हैं. उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो अब कुछ खाने पीने की चीज़ें हम लोग खा लेते हैं. वहाँ अच्छा पहुँचते हैं, दुकान पे ढेर सारे समोसे बिक रहे हैं, चाट बिक रहे हैं. तभी तुम लोग बताए हो ना ढेर सारी चीज़ें. चाट हो गया, समोसे हो गए, आइसक्रीम हो गई. द टीचर इज मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग रेलेवेंट बाय ड्रॉइंग ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड एनकरेजिंग देयर कंट्रीब्यूशंस. उनमें से दो जो है चटपटा खाने के बड़े शौकीन रहते हैं. कुछ बच्चों को ऐसे चटपटा बहुत पसंद होता है ना. तो वो दोस्त कहते हैं हम तो चाट खाएंगे. तो चाट वाले कॉर्नर पे पहुंचते हैं और बोलते हैं भैया चाट कितने का दोगे? तो दुकानदार बोलता है 25 रुपए प्लेट. कितने रुपए प्लेट? 25 रुपए प्लेट. तो दो बच्चे जो दो पांच दोस्त हैं उसमें से सिर्फ दो क्या खाते हैं? चाट खाते हैं, ठीक है ना. और उसकी कीमत कितनी हो गई एक प्लेट की? 25. वेरी गुड. हाँ, द टीचर देन रीटेल्स द स्टोरी. This time, asking her students to note down the numbers involved. The story provides a meaningful context for her students to use addition and subtraction. कहानी एक बार सुन लो, हम बता रहे हैं. कहानी सुनो और उसके साथ साथ नोट करते चलो. आदर्श जल्दी जल्दी नोट करना, ठीक है ना. पैसे कितने इकट्ठे किए? 200 रुपए. ऑटो बुक किए, उसमें एक तरफ का किराया कितना था? 100 रुपए. The teacher encourages her students to remember the cost of the different items at the fair. इसका 10 रुपए है, ठीक है. 5 मिनट का समय और है, आराम से तुम लोग जो है अभी आपस में सिर्फ बात कर लो कि कोई चीज का दाम जो है वो छूटना नहीं चाहिए. The students now work in groups to decide which numbers from the story they need to calculate how much the children spent. पांच लड़के झूले झूले उसकी 100 रुपए हो गए. और ट्रेन में 10 के झूले उसकी भी हो गए 50 रुपए. बड़ा वाला जो झूला झूले ने हो गए कितने हुए? बड़ा वाला चल गए 100 रुपए. हाँ, अब छोटे वाले कितने हुए? ट्रेन वाले 50. ना वाले 50. 30 90. ट्रेन के 10 दिए 50. नाव के हुए 10 50. This teacher organized her class into large groups of 8 students. What might be the advantages of using smaller groups in activities like this? The teacher asks 2 students to discuss their answers. कि ये बता दो कि कितने रुपए बचे हैं? दोनों लोग मिलाओ, देखो कहाँ गड़बड़ी हो रही है. ऑटो में 200 रुपए खर्च हुए, झूला झूलने में 200 रुपए खर्च हुए, उसके बाद खिलौने लेने में 150 रुपए खर्च हुए. 790 भे. हाँ तो जोड़ लो. 210 मिला दो. 8 तो भे 200. 1000 रुपए. 210 बचे. 210 में से मैं 10 मिला दो. हम 800 और 200 वो 1000. 200. At the end of the lesson, the teacher quickly checks the student's understanding of the activity. प्रश्न बनाते हैं, ठीक है? Stories provide a good starting point for problems and puzzles in maths. Have you tried using stories in your maths or science lessons?